जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त आईएएस अधिकारी छवि रंजन को अब तीसरा समन थमा दिया है। अब उन्हें 24 अप्रैल की सुबह 11 बजे ईडी के रांची एयरपोर्ट रोड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। छवि रंजन ने ही अपने वकील के माध्यम से एक दिन पहले ईडी के कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए आग्रह किया था कि वे रांची से बाहर हैं। अगले हफ्ते ईडी की पूछताछ में शामिल हो जाएंगे। ईडी को जमीन घोटाले की जांच में वे पूरा सहयोग करेंगे। आईएएस छवि रंजन को पूर्व में समन कर 21 अप्रैल को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था। उन्होंने 20 अप्रैल को ईडी को आवेदन देकर ईडी से 2 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन उनके आवेदन को ईडी ने अस्वीकृत कर दिया था। 21 अप्रैल की सुबह 11 बजे वे ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे तो ईडी ने उन्हें तत्काल दूसरा समन भेजा और बताया कि उनके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है। वे 21 अप्रैल को ही शाम के 4 बजे तक ईडी के कार्यालय में पहुंचे। ईडी से राहत नहीं मिलने पर आईएएस छवि रंजन ने अपने वकील के माध्यम से ईडी को आग्रह पत्र भेजा कि वे रांची से बाहर हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।